आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम गूगल मीट को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि गूगल मीट के अंदर जो भी हमारी मीटिंग्स हो रही है हम उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकें, उसका साउंड, उसका वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकें, ये आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। पहले ये होता था कि गूगल मीटिंग के अंदर ही एक ऑप्शन दे दिया जाता था जिससे हम पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते थे और वो अपने आप हमारे गूगल ड्राइव पे सेव हो जाती थी, लेकिन अब गूगल मीट की तरफ से ये ऑप्शन हटा दिया गया है। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइजेस के लिए दे दिया गया है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डर के लिए हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम जाते हैं इस वाले एक्सटेंशन के अंदर जिसका नाम है मोवावी स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर क्रोम। हम इसको हमारे क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अभी हम आ जाते हैं गूगल मीट के अंदर। गूगल मीट के हम कोई भी एक मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जाके हम न्यू मीटिंग कर लेते हैं, इंस्टेंट मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारी ये मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आता है कि आप उस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकें। आप ही देख सकते हैं अभी कि मेरे पास यहाँ पर कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि गूगल मीट से ये ऑप्शन हट चुका है कि हम अब मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर सकें। तो इसके लिए हमने ये वाला जो एक्सटेंशन है इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इसको पिन कर लेंगे। पिन करने के लिए आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ता है। एक्सटेंशन जो कि लिखा हुआ आ रहा है ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको मोवावी वाले को पिन करना है। पिन करने के बाद जब आप इसको पिन कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर मोवावी का लोगो बना हुआ आ जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जैसे कि करंट टैब, यानी कि इस एक ही टैब की ये रिकॉर्डिंग करेगा। इसके साथ हम इन टॉगल्स को ऑन कर लेंगे, रिकॉर्ड टैब साउंड, रिकॉर्ड वॉइस, एम्बेडेड वेबकैम, वाटरमार्क। अब वाटरमार्क आएगा यहाँ पर। अगर हम वाटरमार्क नहीं चाहते हैं तो हमें इस वाले एक्सटेंशन को परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मंथली प्लान आपको ये बता रहा है $9.95, यानी कि $10 के अराउंड आपको इसका प्लान मिलेगा अगर आपको वाटरमार्क रिमूव करना है तो। नहीं तो आप इसके बिना भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि करंट टैब के साथ रिकॉर्ड करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको एंटायर स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे और इस वाली स्क्रीन को सिलेक्ट करके और शेयर बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये जितनी भी आपकी स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये रिकॉर्डिंग सिर्फ क्रोम की ही नहीं, बाकी जितने भी टैब्स हैं या हमारा जो विंडोज़ है इसकी भी रिकॉर्डिंग करता है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी ये वाला पेज ओपन कर रखा है, रिफ्रेश प्रेस किया और मैं वापस अभी क्रोम पे आ जाता हूँ। जैसे ही क्रोम पे आया हूँ तब भी हम इसको स्टॉप करके देखेंगे एक बार रिकॉर्डिंग को। यहाँ से जाके रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। आपने जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है आप उसको यहाँ से डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर। अब आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग हुई थी। अब मैं इसको बार ओपन कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग हो गई है। अब ये आप जो सामने देख रहे हैं स्क्रीन के वो रिकॉर्डेड पार्ट है। आप राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्डेड ऑन स्क्रीन कैप्चर .com, ये वाटरमार्क आपके पास रहेगा। और ये मैंने आपको डेस्कटॉप ओपन करके दिखाया था, वो डेस्कटॉप आप देख सकते हैं, यानी कि हम डेस्कटॉप पे जो भी है वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक यूजफुल एक्सटेंशन आपके गूगल मीट को रिकॉर्ड करने के काम आएगा जिसके अंदर आप वॉइस एंड वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियोस के लिए और बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।